दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे आप लोग को चले जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च कर देना, आप लोग यहाँ पर ध्यान से एनिमल प्लेनेट आप लोग यहाँ पर 2.0 आप लोग यहाँ पर ध्यान से सर्च कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर दे रहा हूँ। सर्च करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल आप लोग यहाँ पर ओपन होते हुए आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग देखते हैं यहाँ यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल का नाम एनिमल प्लेनेट 2.00 है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसके यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियो अपलोड की, यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर है। और ये बंदा जो यहाँ पर अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है, लॉन्ग वीडियो यहाँ पर नहीं अपलोड करता। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग वीडियो मात्र 1 वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर 44 के यहाँ पर व्यूज गए हैं। तो सिंपली इसके शॉर्ट वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ। शॉर्ट वीडियो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से व्यूज आ रहे हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट में किस तरह से व्यूज आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली इसके मोस्ट पॉपुलर व्यूज पे चले जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर व्यूज पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से व्यूज आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं 17 मिलियन, 13 मिलियन, 20 मिलियन, 12 मिलियन, 11 मिलियन, 9 मिलियन, इस तरह से यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं। तो सिंपली आप लोग देखते हैं। और ये जो चैनल यहाँ पर मोनेटाइज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन का बटन भी मिला हुआ है। तो सिंपली अगर आप लोग भी इस तरह का चैनल बना लेते हैं तो आपका भी चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होगा, 1 महीने के अंदर ही ग्रो हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस तरह का चैनल बनाने के लिए आप लोग को क्या करना हो, आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप लोग को इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च कर देना है, इमेज सर्च आप लोग यहाँ पर ध्यान से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर इमेज सर्च एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे ओपन कर ले रहा हूं। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च कर देना सो क्यूट कैट, आप लोग यहाँ पर इमेज सर्च कर देना। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर देना हूं। सर्च करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर क्यूट आप लोग यहाँ पर कैट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जिस भी कैट को आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ पर उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर इजीली तरीके से डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्यूट आप लोग यहाँ पर जिस तरह से उस तरह उस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर उस टाइप की कैट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जितनी भी कैट आप लोग यहाँ पर चाहिए आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आप लोग यहाँ पर कोई सा एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। सिंपली मैं यहाँ पर VN एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर एक प्लस वाला एक आइकन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एक वीडियो का और आप लोग यहाँ पर एक फोटो का। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर जितने भी आप लोग यहाँ पर कैट वाली इमेज आप लोग यहाँ पर डाउनलोड किए थे सिंपली आप लोग यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी फोटोज देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग यहाँ पर डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आप लोग यहाँ पर करना क्या होगा, अब आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर म्यूजिक का। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा म्यूजिक का। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर माई म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर म्यूजिक जो म्यूजिक आप लोग यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ पर उस म्यूजिक को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप लोग यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पर इस इमेज पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर इस प्लस वाला आइकन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कोई सा इफेक्ट आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर एक इफेक्ट का। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस इफेक्ट वाले स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग जो इफेक्ट पसंद है आप लोग यहाँ पर इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर सारी वीडियोज में आप लोग यहाँ पर इस तरह से आप लोग यहाँ पर इफेक्ट लगा देना। सारी इमेजेस में आप लोग यहाँ पर जो इफेक्ट आप लोग यहाँ पर अच्छा लगता है आप लोग यहाँ पर ध्यान से अच्छे से आप लोग यहाँ पर सारी वीडियोज में आप लोग यहाँ पर अच्छे से आप लोग यहाँ पर एडिट करके अच्छे से आप लोग यहाँ पर लगा देना। लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो सिंपली आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी वीडियो जो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा आप लोग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। बनकर रेडी होने के बाद आप लोग यहाँ पर करना क्या, आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर एक ब्लू कलर का एरो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस ब्लू कलर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सपोर्ट का। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करके आप लोग यहाँ पर अपने गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर 1 महीना आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है। 1 महीना कंटिन्यू आप लोग यहाँ पर अपने वीडियो अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आपका भी चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।